कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय भागवत कथा एवं प्रेम यज्ञ का हुआ आरंभ। जी हां, नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुजरात वापी नामदा चंदौर में श्रीमद् भागवत कथा व प्रेम यज्ञ का शुभारंभ बुधवार को मंगल कलश यात्रा एवं विशाल शोभा यात्रा के साथ कलश में जल भरा गया। इस कलश यात्रा में सौभाग्यवती महिलाएं पीले वस्त्र व लाल वस्त्र धारण किए सिर पर कलश उठाए मन में समस्त जीव प्राणियों के मंगल कामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कलश यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए नामदा चंदौर स्थित यज्ञ स्थल पर पहुंची, जहां विधि विधान के साथ महायज्ञ की शुरुआत हुई। कार्यक्रम से जुड़े रजनीकांत मिश्रा, जगदीश सिंह भास्कर, उमेश तिवारी, धनंजय जायसवाल, लालजी बाल्दनिया, रत्नेश मिश्रा ने बताया कि लोक कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा प्रेमी यज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ में अयोध्या के प्रसिद्ध परम पूज्य श्री भार्गवा मुनि महाराज के मुखारविंद से संगीतमय भागवत कथा का वर्णन किया जाएगा। भागवत कथा 2 बजे से शाम 5 बजे तक हनुमंत रेसिडेंसी के सामने राफेल कॉलेज रोड नामदा चंदौर में होगा। 9 दिन चलने वाले इस भागवत कथा में आयोजक मंडल से जुड़े श्रद्धालुओं से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचकर कथा का रसपान करें। खास रिपोर्ट, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज वापी से अवनीश शर्मा। साइड में चाय रोक ली।